हेलो एवरीवन आज मैं आपके लिए व्रत में बनाया जाने वाला बहुत ही टेस्टी मस्त चटपटा नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और आप इसे किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं इसका टेस्ट बेहद शानदार है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर छः मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं इनका हमने छिलका उतार लिया है और अब इन्हें रफली मैश कर देंगे इस तरीके से आप इसे ग्रेट ना करें क्योंकि हमें इन्हें हल्का सा मोटा ही रखना होता है ये देखिए हमने इन्हें रफली मैश कर लिया है आप गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे इसमें एक चम्मच ऑयल डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं साथ ही इसमें एक छोटी चम्मच अदरक डाल देंगे ग्रेट की हुई अगर आप अदरक व्रत में नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर ना डालें और साथ ही डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता और ये देखिए हमने इन सभी को अच्छे से भून लिया है अब इसमें एक बड़ा चम्मच मूंगफली डाल रही हूँ ये भुनी हुई मूंगफली है जिसे हमने दरदरा कूट कोट लिया है एक चम्मच ही मैं इसमें काजू के टुकड़े डाल रही हूँ और थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे काजू और किशमिश डालना बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं यानी इसके बिना भी बना सकते हैं और अब इन सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चौथाई छोटी चम्मच यहाँ पर भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे इन्हें भी इसके साथ ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे उबले हुए और मैश किए हुए आलू और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये जो मसाला है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे सिंपल दही के साथ भी खा सकते हैं तब भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा पर मैं इसे आज बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और साथ ही आधा नींबू का रस डाल देंगे जो इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा तो अब इन सबको वापस एक बार मिक्स कर लेंगे और ये स्टफिंग तैयार है अब मैं इसे यहाँ पर इस प्लेट में निकाल दूँगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है इसमें आधा कप कुट्टू का आटा डाल रही हूँ कुट्टू यानी बकवीट फ्लावर जिसे बोलते हैं अगर आपको कुट्टू का आटा नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पर सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तेज के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें नमक हमने पहले भी डाला है आलूओं में और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुटलियाँ या लम्स ना बने और ये देखिए हमारा बैटर तैयार है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरीके की पोरिंग होनी चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और यहाँ पर हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसमें थोड़ा सा इस तरीके से पोर्शन लेंगे और इसकी टिक्की बना लेंगे टिक्की का साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा रख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने दो से तीन टिक्की बनाकर तैयार कर ली है और ये जो हमने कुट्टू के आटे का बैटर तैयार किया था इसे हम एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें कई बार पानी जो है वो ऊपर सेपरेट हो जाता है और अब इसमें एक टिक्की डालेंगे और पलटे की मदद से इस तरीके से पलट देंगे ताकि इसमें दोनों साइड ये बैटर अच्छे से कोट हो जाएगा और अब ये जो एक्स्ट्रा बैटर है इसे हम इस तरीके से हटा देंगे और अब इसे गार्निश करने के लिए साथ ही थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से सामक चावल डाल रही हूँ सामक चावल भी हमारे यहाँ व्रत में खाए जाते हैं आप इसकी खिचड़ी भी बनाते हैं कुछ लोग कुछ लोग इसको नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे सिर्फ गार्निश के लिए और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए कर रही हूँ यहाँ पर हमने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया है ऑयल को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करना है और अब इसमें इस तरीके से ये टिक्की डाल देंगे और डालते ही आप इसे तुरंत ना छेड़ें पहले इसे थोड़ा सा नीचे से फ्राई होने देंगे अच्छे से उसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे और देखिए दोनों साइड से हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और एक बारी की टिक्की फ्राई करने में आपको दो से तीन मिनट लगेंगे और ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी टिक्की भी इसमें डाल देंगे और आप चाहें तो एक बारी में दो से तीन टिक्की डाल सकते हैं और ये देखिए हमारी कितनी ज़्यादा टेस्टी और कितनी कुरकुरी हमारी टिक्की बनकर तैयार हुई है आप कोई सा भी आटा ले सकते हैं लेकिन कुट्टू का आटा अगर लेते हैं ना तो ये जो नाश्ता बनता है ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है बाहर से और अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट ली है और इसमें यहाँ पर गाढ़ा दही डाल देंगे ये घर का ताज़ा दही है और इसे हल्का सा इस तरीके से फैला लेंगे और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इमली और खजूर की चटनी अगर आप ये नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं साथ ही डाल दूंगी मैं यहाँ पर कच्चे आम और हरे धनिया की चटनी थोड़ी सी और अब इसके ऊपर ये कुरकुरी टिक्की रख देंगे लग रही है ना मस्त देखने में ही और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से पमकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज के साथ इसे गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शन है आप चाहें तो इसके पास सिंपल थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और भुना जीरे का पाउडर डाल दीजिए और फ्रेंड्स जैसे मैंने इसे डीप फ्राई किया है अगर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नॉन स्टिक आपम मेकर में भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं तो इसे इंजॉय कर रही हूँ इसका टेस्ट बेहद शानदार है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है आप इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है